करना चाहते। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। देखो अब आए हम डायनासोर्स में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए आपस में कितना लड़े, भागो घर के बाहर खड़े। 14 लाख सालों पहले वो फिर वापस आ गया है राक्षसों से बड़ी, अब न जाने क्या होगा। डायनासोर किंग तुम बनना चाहते, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। Don't mess with my Asura! इस साल का फैशन तो कमाल का है, मैं क्रिमिनल वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत विलन जाऊंगी। ये वाला मेरे ऊपर सुंदर लगेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। अब कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगी तो कमाल सब मेरा। हे कैंसल, ये कैसे हो सकता है? कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पर्सनल चीज खरीदना मना है। मगर ये बहुत बुरी है, तुम क्या चाहती हो मेरी जैसी लड़की एक ही कपड़े रोज रोज पहने? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। और सलो रोती है तो मुझे बहुत मजा आता है। और तुम डॉक्टर जी की कैंडी को हाथ मत लगाओ, चलो जल्दी से साफ सफाई शुरू करो। सुनो ये देखो एक नया डायनासोर, जल्दी से कंट्रोल रूम में आ जाओ। कहाँ दिखे? पेरिस मिलान, वहाँ पर जूतों की बड़ी दुकान है। ये है तो यूरोप, मुझे तो स्विट्जरलैंड लगा। बिल्कुल सही पहचाना, ये है वहाँ का स्विस एल्प। क्या हम पहाड़ों पर जाएंगे? वहाँ क्या खरीदूंगी? स्नो बोर्ड, शायद मुझे वहाँ थर्मल अंडरवेयर मिल सकती है। मैंने सबसे अच्छी बात तो अभी बताई ही नहीं है, तुम लोगों का टिकट भी बुक हुआ है। देखो कौन सा टिकट है, फर्स्ट क्लास में आना जाना। ये क्या हाल बना रखा है, ये तो बहुत बुरी बात है। इन लड़कों ने तो पूरे घर को कबाड़ खाना बना डाला है, मगर ये है कहाँ? मैक्स, रेक्स, मैक्स, ये क्या? तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकती हो जोई? ओ नहीं, बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मम्मी घर में नहीं है इसलिए हमें घर साफ सुथरा रखना होगा, लेकिन घर की हालत तो देखो। तुम्हें क्या लगता है पूरा घर मैं अकेले साफ करूँ? घर की सफाई करना लड़कियों का ही काम होता है। तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? और तुमने वहाँ पर कितना कचरा फैला रखा है? क्या मैं पास हो गया जोई? हाँ, लेकिन अब जल्दी से पूरा घर साफ कर लो। हाँ, सफाई के लिए कितने पैसे मिलेंगे? सफाई करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूँगी। मैं 10 मिनट में देखने आ रही हूँ। अगर फर्स्ट क्लास में जाना है तो सूट बूट पहन कर ही जाना पड़ेगा। हाँ, लोगों को पता नहीं लगेगा हम थर्ड क्लास के हैं। मैं यहाँ के इंचार्ज से बात कर सकती हूँ? बहुत जरूरी है। हाँ कर सकती है मैम। आप फर्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहती हैं? हाँ, मुझे अपनी तो फिक्र नहीं है, मगर मेरे साथ ही बहुत घबरा रहे हैं। ठीक है, एक और प्लेन है हमारे पास। कितनी गंदी बात है ये, अपने नए कपड़े खरीदने के लिए ये सस्ती फ्लाइट में जा रही है ताकि पैसे बचे। हाँ, ये इसी तरह की चिंदी चोरी करती रहती है, ये कभी फर्स्ट क्लास में नहीं जाती है। ये लीजिए, आपकी इकोनॉमी क्लास के पायलट आ गए मैम। एक्सक्यूज मी मिस्टर पायलट सर। ये बताइए, मुझे ये तो प्लेन पुराने जमाने का लग रहा है, क्या इसे उड़ाने की इजाज़त है? पता नहीं, वैसे सवाल अच्छा है। मुझे भी आज तक पता नहीं लग पाया है, बहुत समय से मैंने इसकी ठीक से जांच भी नहीं करवाई, ये ब्रेक भी ठीक से नहीं लगता। आपकी तो उम्र हो गई है दादाजी, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। अगर नीचे टपकना हो तो अकेले ही टपकना, चलो अब उड़ना शुरू करो। तुम्हें पता भी है हमें कहाँ जाना है? वो स्विस चीज के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे नहीं, हमें स्विस आल्प पर जाना है। तुम्हें कुछ और पूछना है दिमाग से पैदल पायलट? हाँ, एक और बात बता दो। वो क्या है? मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें पेट्रोल डाला या नहीं। अब जो करना है करो। Oh
सकता हूँ पेरिस? हाँ, ये क्या हो रहा है? चॉम, तुम ये क्या कर रहे हो? ये गलत बात है, तुम भी अपने ओनर्स की तरह बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। और तुम कहाँ चले एस? पहले मुझसे वादा करो कि अब तुम घर में इस तरह से गंदगी नहीं फैलाओगे, ठीक है? या, अब तुम नहीं बच सकते। इसे ठीक करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई फर्नीचर या पेड़ पौधा भागता है तो बच नहीं पाएगा। इस बार पकड़ लूंगा। जोई, आई एम सॉरी, तुम उन पौधों से तो अच्छी ही हो। अब ये क्या कर रहे हैं टेलर अंकल? फंदा लगाना सीख रहा हूँ। एक बार ये सीख लूंगा तो फिर डायनासोर को बड़ी आसानी से पकड़ सकूंगा। सही कहा ना? हाँ, मैं हूँ ही जीनियस। क्या अब आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? कहाँ? आज यहाँ सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि आंटी के आने से पहले पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, समझ में आया? हाँ। चौंपरेस, 10 मिनट तक यही बंद रहो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मैं अभी किचन साफ करने जा रही हूँ, कोई शरारत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, ये तो मॉम से भी ज्यादा दबंग है। तुम नहीं जानते मैक्स, वो कई बार इससे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा, क्या सारी लड़कियाँ ऐसी होती है? जोई तो अभी कितनी छोटी है, फिर भी वो मॉम जैसा बिहेव क्यों करती है? शायद इसलिए कि वो बॉस बनना चाहती है। नहीं, ये बात नहीं है बच्चों, इसकी असली वजह है उसके मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। मुझे तो ये जोई के अनोइंग इंस्टिंक्ट्स लग रहे हैं। एक अच्छी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसी वजह से वो बॉसी होती है। अच्छा सुनो बच्चों, मैं तो अब अपनी लेबोरेटरी में जा रहा हूँ। क्या? कहीं आप जोई से डर करता नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मुझे कुछ रिसर्च के काम करने हैं। हमें भी काम है, हमें डी टीम का कुछ बहुत ही जरूरी काम खत्म करना है। तुम्हें वो काम याद है ना रेक्स? हाँ याद है मुझे मैक्स। सुनो, एक काम करते हैं। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आखिर हो क्या रहा है? जी अजोई, हम रिसर्च के एक जरूरी काम से जा रहे हैं, वापस आकर सफाई कर देंगे। भाग गए। लगता है कोई खराबी आ गई है। कहना क्या चाहते हो? मैं चला, गुड लक। अब हम क्या करें? पहले से ही भूखे थे, अब ये नई मुसीबत, अब इस एयरलाइन में कभी नहीं आएंगे। इसके बाद हम कहीं जाने लायक रहेंगे तभी तो जाएंगे, इसमें सिर्फ एक ही पैराशूट है, हम जाएंगे। ये ठीक है या नहीं? राय तुम रहने दो, इस टीम के लिए तुम दोनों से ज्यादा जरूरी मैं हूँ। पहले बच्चे और औरतें जाती है। तो दोस्तों नीचे मिलते हैं, बाय। तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। ये पैसेंजर पैराशूट नहीं है, तुम इसे हाथ भी मत लगाना। हमें तो नहीं कर सकते अर्चना। हम हमेशा साथ थे और साथ ही रहेंगे। हम तेजी से नीचे गिर रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जोई ज्यादा नाराज तो नहीं होगी? अरे नहीं, हमने नोट छोड़ दिया था। चलो जल्दी। तुम्हें डायनासोर के बारे में कुछ पता लगा रीस? शायद वो स्विस आल्प्स पर कहीं है। तब तो हमें वहाँ जाना होगा, चलते हैं। हाँ, मगर जोई का क्या? अभी उसका इंतजार नहीं कर सकते, आप उसे बता देंगे ना कि हम कहाँ गए? हाँ बता दूंगा। अरे सुनो, तुम ये फंदा अपने साथ नहीं ले जा रहे हो? नहीं, जरूरत नहीं है डैड, बाय। मगर ये तुम्हारे काम का है या नहीं है?
अगर जल्दी जाओगी तो तुम पहुंच जाओगी। और हाँ, ये फंदा भी ले लेना। आज उन्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। चलो पेरिस, चलो मेरे साथ। फंदा छोड़ गए, कोई बात नहीं, अगली बार। मेरे पैर हिल भी नहीं रहे। सिर्फ पैर ही? मेरा तो पूरा शरीर नहीं हिल रहा। आए, वो देखो डायनासोर, वो ट्राइसेराटॉप से लड़ रहा है। लगता है हम बिल्कुल सही जगह पर गिरे हैं। अब आएगा मजा। मैं टेरी को भेजती हूँ, फिर ये खेल मजेदार होगा। जाओ पकड़ो उसे टेरी। वो तो अंडा है ना? अगर अंडा है तो वो मुर्गी कहाँ है जिसका वो अंडा है? ओ ये क्या? दोस्तों मेरी बात सुनो, वो डायनासोर एक माँ है, अपने अंडे को बचा रही है। अंडा? हाँ अब दिखा मुझे। तुम चॉम को वापस बुला लो, मायासोर ही उसके लिए काफी है। हे चॉम, उसे छोड़ दो, तुम्हें उस टी-रेक्स से लड़ना है। जल्दी जल्दी करो। तुम तैयार हो पेरिस? जाओ। डरो पेरिस, रोल पे ब्लूम। वो देखो अंडा टूट रहा है। और शायद मेरे लिए ही टूटा है, मुझे तो बहुत भूख लगी है भाई। हाँ, आज सुबह से एक दाना नहीं खाया और पाइन पर भी नाश्ता तक नहीं दिया। हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अंडा किसे खाना है? हमें खाना है अंडा। चलो टूट चॉम, तुम उससे लड़ना बंद करो। चलो अब यहाँ आ जाओ। उसने तो टेरी को भी उड़ा दिया। पहाड़ से नीचे उतरने का यह तरीका बहुत अच्छा है। अगर नीचे जाकर अंडे से टकराए तो सोच लेना। अल्फा गैंग आ चुकी है और वो अंडे के पीछे पड़ी है। हाँ लेकिन हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे मैक्स। मगर फिर भी हमें कुछ करना होगा। लड़ रही है, उसे अंडा नहीं मिल रहा इसलिए जो सामने आ रहा है उसे मार रही है। Oh!
ऐसा लग रहा है चॉम को भी उसे लड़ना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने कुछ सुना? ये आवाज तो उसके बच्चे की है। बच्चा बाहर आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो यहाँ भी आ गए दोस्तों। अंडे अंडे आ गए हम, खाने के बाद में घर में हजम। अंडा तो टूट गया, अब उसे कैसे खाएंगे? तंदूर में पका कर खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत मोटा है, तंदूर में जाएगा ही नहीं। मगर उसे पकड़ तो सकते हैं। भेड़ रानी बड़ी सयानी। नहीं, ये तो बकरियां हैं। इसे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो भी हो हमारा रास्ता छोड़ दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहती हैं? बहुत हुआ, अब जाओ। और चलो। अच्छे दोस्तों, शाबाश मेरे दोस्त। प्लीज हमें वापस भेज दो, हम जहाँ से आए हैं वहाँ भेज दो, हमें अपने घर जाना है, हमें भेज दो। ये तो आसान है, इन इनके कार्ड में वापस भेज देते हैं। हाँ सही कहा, बिल्कुल, ये हमेशा साथ में रहेंगे। डायनासोर के बच्चे को हैच करते देखा, कमाल है, अगर मैं भी वहाँ होता तो देख लेता ना। हाँ, हमने ये भी देखा कि मम्मी अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसे मैटरनल इंस्टिंक्ट कहते हैं ना। हाँ शायद, वो मायासोरा तो अंडे के लिए किसी से भी लड़ने तैयार थी। बिल्कुल। हाँ? वो भी तो एक माँ थी, वो उन लड़कों जैसी नहीं थी जो अपना काम कभी भी ठीक से नहीं कर सकते। अब जल्दी से पूरा घर साफ करो वरना किसी को खाना नहीं मिलेगा। क्या हम खाना खाने के बाद सफाई कर ले क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मतलब है कि हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा? हाँ, हमें तो बॉस ने फर्स्ट क्लास का टिकट दिया था, मगर सला ने उसे बेच कर नो क्लास का बना दिया। चुप रहो, भूख से वैसे भी मेरा दिमाग हिला हुआ है, मुझे तो एड भी चिकन टिक्का लग रहा है। क्या? इसका दिमाग सचमुच हिल गया है। आ जा रहे हो मेरे चिकन टिक्के, वादा करती हूँ ज्यादा नहीं खाऊंगी। अच्छा है, एड को खाकर अर्थला का पेट भर जाएगा और वो मुझे नहीं चबाएगी। कोई ये बताएगा कि क्राइम मास्टर जैंडर को टैक्सी कहाँ मिलेगी? In the present, time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny.